किसी का मस्जिद गिरा कर मंदिर बनाना कितना बड़ा संघर्ष की बात है। वाह, तुम्हारा एक्सीडेंट होगा तो मंदिर जाओगे या हॉस्पिटल? किशन भैया, ये देखिए, 22 तारीख को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में। मोदी जी ने खुद कहा है प्रभु, 22 जनवरी 2024 को होगा भव्य राम मंदिर का उद्घाटन। जी हां, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट समिति की बैठक इस वक्त अयोध्या में चल रही है, 2 दिवसीय बैठक, और इस बैठक में यह फैसला लिया गया है कि 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। पता है, हमारे पूर्वजों ने 500 सालों तक संघर्ष किया है इस मंदिर के लिए, और 22 जनवरी को यह सपना पूरा। हम लोग कितने लकी हैं ना। किसी का मस्जिद गिरा कर मंदिर बनाना कितना बड़ा संघर्ष की बात है। वाह, सबको पता है कि वहां क्या था, जो जिसका है उसे वापस मिल रहा है, तो इसमें हर्ज की क्या बात है। और वैसे भी इस्लाम कहता है कि अल्लाह हमेशा सच्चे लोगों का साथ देते हैं, बिना किसी खून खराबे, बिना किसी लड़ाई के अगर ये मंदिर बन ही रहा है तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है मेरे भाई। उस जगह पर स्कूल भी तो हो सकता था जिसमें गरीबों को एजुकेशन मिलता, और या हॉस्पिटल भी बन सकता था जिसमें जो फाइनेंशियल वीक है उनका इलाज होता। अरे मेरे भाई, उसी जगह ही क्यों। और मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसे ही मंदिरों के द्वारा ना जाने कितने ट्रस्ट और संस्था चलाए जाते हैं, जिससे गरीब बच्चों पे पढ़ाई के साथ साथ ना जाने कितने असहाय लोगों का पेट भी पलता है। यही कोरोना काल में बहुत सारे मंदिर अपने आप को हॉस्पिटल में तब्दील कर लिए थे, जिससे कोरोना पेशेंट्स का इलाज हो सके। अगर विश्वास ना हो तो गूगल पे चेक कर लो। मैं तुम्हें बता दूं कि जिस जगह धाम और मंदिर होता है वो जगह टूरिस्ट प्लेस बन जाता है, जिससे कि वहाँ के रहने वालों लोगों को रोजगार भी मिलता है और शहर का विकास दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। और उस मंदिर से शहर का विकास, शहर से राज्य का विकास, और उस राज्य से देश का विकास। मुझे ही देख लो, मेरे पापा विश्वनाथ मंदिर के आगे फल फूल और मिठाई बेचते हैं, उसी की वजह से मेरी पढ़ाई और मेरी 2 बहनों की शादी भी हो गई, वो भी अच्छे घरों में। पापा जैसे न जाने वहाँ कितने दुकानदार हैं जिनकी रोजी रोटी उसी मंदिर से चलता आ रहा है। अच्छा किशन, ये बताओ, तुम्हारा एक्सीडेंट होगा तो मंदिर जाओगे या हॉस्पिटल? अच्छा तुम बताओ, तुम्हें भूख लगेगी तो तुम हॉस्पिटल जाओगे या रेस्टोरेंट? भूख लगेगा तो रेस्टोरेंट ही जाएंगे ना। हाँ, जैसे शरीर के इलाज के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, उसी तरह से मन के इलाज के लिए मंदिर जाते हैं। दोनों अपनी जगह सही है।